में यमुना क्लीनिंग के ऊपर सरकार बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है, इन वेटलैंड्स का उसके साथ कोई ताना बाना? बिल्कुल, आप इसके अंदर देखिएगा फ्लोटिंग प्लांटेशन आपको दिखाई देगी जी। अभी ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है यहाँ पर, अभी तक फ्लोटिंग प्लांटेशन नहीं थी। जो यमुना के लिए हम फ्लोटिंग प्लांटेशन कर रहे हैं, जो ड्रेन्स है उसमें फ्लोटिंग प्लांटेशन होगी, फ्लोटिंग एरेटर्स होंगे और वियर्स लगाए जाएंगे। अब उसको भी यहाँ पर हम ट्राई करके देखते हैं, उसको हम पहले ट्रायल यहाँ पर कर रहे हैं। जितने भी आप फ्लोटिंग ट्रीज देखे हैं यहाँ पर भी, संजय वन में भी हम दो तीन जगह लगाए हैं और उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं उसको किया जाएगा यमुना क्लीनिंग के लिए। देखो अभी तक सभी के थे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट और 20 साल लगेंगे। ना तो हमारे पास 20 साल हैं ना 20,000 करोड़ रुपये हैं, करना तो है तो करना है, तो फिर इनोवेटिव तरीके से करेंगे। तो यमुना क्लीन करने के लिए हमने देखो कहा था इस टर्म में कर देंगे, 1.5 साल चला गया, 3.5 साल बचे हैं, अभी भी 3.5 साल के अंदर हम करके दिखाएं। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। तो कह सकते हैं कि यमुना क्लीनिंग देश का पहला ऐसा एक एग्जांपल होगा जहां पर नेचुरल तरीके के साथ, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के साथ, साइंटिफिक तरीके को इम्प्लीमेंट करते हुए यमुना की सफाई होगी। बिल्कुल दोनों को। अभी हो क्या रहा है कि देखो साइलोज में सब लोग काम कर रहे हैं, एक मान लो हाईटेक कंपनीज हैं वो बिल्कुल एक साइलो में काम कर रही हैं, एक नेचुरल सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल एक तरीके से काम कर रही हैं। क्योंकि मैं इन सिस्टम से बाहर था, मैं बिल्कुल अलग था। जब मैंने आया, मैंने इनको स्टडी किया, बेसिक देखना स्टार्ट किया अभी कैसे होता है कैसे, तो मैंने कहा ऐसा इसके अंदर इस चीज़ को क्यों नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर नेचुरल वेटलैंड के अंदर आप एरेशन कर दें, किसने ट्राई नहीं किया भाई? नॉर्मली हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर पहले प्राइमरी सेटलिंग टैंक होता है, उसके बाद एरेशन होती है। एरेशन मीन्स के ऑक्सीजन देते हैं, हवा देते हैं। तो मैंने कहा अगर इसमें हवा देते हैं तो इसकी जो कैपेसिटी है क्या 10 गुना हो जाएगी। तो मैंने किसने ट्राई क्यों नहीं किया? तो क्योंकि वो दोनों टीम अलग अलग हैं, जैसे होता है ना फिजिक्स वाला है केमिस्ट्री वाला है, जबकि सब कुछ एक ही तो है, अलग अलग थोड़ा है। तो फिजिक्स भी वही है, केमिस्ट्री भी वही है, बायोलॉजी भी वही है, सब कुछ एक है, तो उनको बस कंबाइन करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ ज्ञान दुनिया के अंदर है, उसको इनोवेटिव तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा बताएं हम कहाँ हैं आज? अभी हम लोग रजोकड़ी लेक में हैं। ये रजोकड़ी जो हमारा रंगपुरी पहाड़ी पे बना हुआ है, यहाँ पर सीवेज वेस्ट, इसमें एक छोटा सा वो था जैसे कहते हैं पॉन्ड था। अच्छा। जैसे पूरे यहाँ के आसपास के जो घर बने हुए उनका इधर घर बने देखे हैं आप जी, तो उसका सारा वेस्ट वाटर यहाँ पे इकट्ठा होता था, बहुत बदबू आती थी, बहुत गंदगी थी। अच्छा। तो अब इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट के लिए हमने बिल्कुल इनोवेटिव तरीका निकाला, इसको नेचुरल वे से, ये जो आपने जब प्लांटेशन देख रहे हैं जी, ये सब सीवेज ट्रीटमेंट का सिस्टम है। इसके नीचे पत्थर डाल के सिस्टम बना के नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि बिजली भी नहीं लगती है, सिर्फ पानी आएगा, एक तरफ से आएगा दूसरे निकल के तालाब में और इससे रिचार्ज हो जाएगा। मतलब एक समझ के देखिएगा कि बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा, जगह भी सुंदर बन गई और जो गंदगी गंदा पानी था उससे इसको रिचार्ज करें, पूरे साल रिचार्ज होता है। अच्छा। और साल में एक बार ये छठ पूजा के लिए भी इस जगह को यूज़ किया जाता है। तो इन पेड़ों का भी इसमें कुछ रोल है? ये सारे पेड़ों का ही रोल है, जितने अच्छा। पौधे लगाए गए हैं ना। अच्छा। ये वेटलैंड स्पीसीज हैं, आप ये देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह वेटलैंड स्पीसीज होती हैं। ये बहुत तेज़ी से पानी को अपने अंदर रख लेती हैं और इनकी जड़ें बहुत फैली होती हैं। अच्छा। इनकी जड़ों के अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया सारी गंदगी को खा जाता है, तो उसको साफ़ कर देता है। मतलब बहुत ही ऑर्गेनिक सिस्टम है, और जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे हमारे जो इंटेस्टाइन है, ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है उसको मिमिक करते हैं। तो होता है सब कुछ नेचुरली है, देखने के आपको लगेगा बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, होता है उसमें भी सब कुछ नेचुरल है। इसको बिल्कुल नेचुरल बनाया है, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बनाया था, बिल्कुल शानदार है। अब इसको हम बहुत बड़े स्केल पर रिपीट कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर लगभग 250 वाटर बॉडीज़ में हम ये काम करने जा रहे हैं। ऐसी 250 बॉडीज़ और बनेंगी? क्या बात। तो ये तो एकदम बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट रहा, आपका तो बैकग्राउंड आर्किटेक्चर में नहीं, देखो पता क्या है, मेरा बैकग्राउंड से मतलब नहीं है, एक जैसे होता है ना एजुकेशन जो है वो देट इज़ फर्स्ट स्टेप, स्टेपिंग स्टोन के अंदर ना आपको बता दिया कि पढ़ने का रास्ता बता दिया, आप सारी ज़िंदगी पढ़ते रहिए। जरूरी नहीं कि मुझे सब कुछ आता हो, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स हैं उनसे सीख सकते हैं, वो बता सकते हैं, बट हाँ हमारे को चूज़ ठीक चीज़ें चूज़ करनी चाहिए। अब जैसे वो था कि भी अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे एसटीपी बनाने जाते बहुत पैसा खर्च होता, फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत सारे लोग लगाने पड़ते हैं, मतलब बहुत मुश्किल काम था ना। बट इस तरह के एक्सपेरिमेंट जगह जगह हुए हैं, दुनिया में भी हुए हैं, देश में भी हुए हैं, बहुत जगह हुए हैं, पर हमने दिल्ली में ये करके देखा पहली बारी और ये पूरी तरह सफल रहा। अब सफल रहा तो इसको रिपीट करें। तो जब से आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट आई है उसके बाद ही एक्सपेरिमेंट हुए, उससे पहले नहीं हुए? देखो एक्सपेरिमेंट, देखो अभी तक ज़्यादातर सरकार में होता क्या है, सरकार में होता कि प्रेसिडेंस क्या है,
पहले क्या हुआ था उसी को रिपीट करते जाए। हमारा सोचना थोड़ा अलग है कि ऐसा नहीं कि जो हुआ है उसी को करा जाए, उसके अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि अच्छी चीज़ें हैं। आप सर्च करेंगे तो आपको नेचुरल वेटलैंड्स के नाम से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उसी को हमने बनाया है।